नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास के बारे में। बिहार और राजनीति दोनों एक दूसरे के पर्याय है। कहा जाता है कि राजनीति की नींव ही बिहार से शुरू होती है। इतिहास की बात करें तो राजनीति के दृष्टिकोण से बिहार की महत्ता काफी ज्यादा देखने को मिलती है। बिहार कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है। बात चाहे जेपी आंदोलन की हो या महात्मा गांधी के चंपारण अभियान की, बिहार कई ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाक्रम का गवाह रहा है। इसी क्रम में आज हम एक ऐसी पार्टी की बात करने वाले हैं जिनकी भूमिका राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जाती है। भले ही आज यह पार्टी सरकार बनाने में असमर्थ दिख रही है, मगर एक समय था जब इस पार्टी का वर्चस्व काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की, जिसकी शुरुआत तो काफी अच्छी रही, मगर समय के साथ लोगों का भरोसा पार्टी से उठता चला गया। इनके मुखिया आज भले ही सलाखों की हवा खा रहे हो, मगर एक समय था जब लालू यादव को बिहार की राजनीति का धुरंधर माना जाता था। मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे इस पार्टी ने लगभग एक दशक तक बिहार में राज किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना से लेकर अब तक की कहानी की। आप में से जिन लोगों को नहीं पता हो, उन्हें हम बता दें कि बिहार के वरिष्ठ पार्टी में से एक गिने जाने वाली राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 5 जुलाई 1997 में हुई थी। यही वो तारीख है जिस दिन देश की सियासत में एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ था, जब पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने इसकी नींव रखी थी। लालू प्रसाद यादव की छवि एक चुटकीले अंदाज और प्रभावशाली रवैये के लिए काफी मशहूर थी। लालू ने जब राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, तब अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए थे। इस पार्टी की स्थापना हालांकि राजधानी दिल्ली में हुई थी। स्थापना के दौरान लालू यादव की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्थापना के वक्त स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, कांति सिंह समेत 17 लोकसभा सांसद और 8 राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थकों को देखा गया था। जैसे ही पार्टी की स्थापना हुई, वैसे ही लालू प्रसाद यादव को ही पार्टी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तैनात कर दिया गया था। अब हम जानेंगे कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया क्यों। लालू प्रसाद यादव को शुरुआत से ही राजनीति की परख थी और यही कारण है कि मात्र 29 साल की उम्र में उन्हें लोकसभा सांसद बनाया गया था। इतना ही नहीं, लालू यादव ने अपनी LLB की पढ़ाई के दौरान ही छात्र संघ की भूमिका निभाई थी और छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए ही जेपी आंदोलन से वो जुड़ गए थे। जिनको नहीं पता, उन्हें हम बता दें कि लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक सफर की शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी से हुई थी। साल 1977 में लालू यादव ने आम चुनाव में भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव भी जीता था। कांग्रेस की सरकार में इस दौरान देश ने आपातकाल का दंश भी झेला था और यही कारण है कि लोगों का गुस्सा इंदिरा सरकार पर फूटा था और देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि इस सरकार की जीवन रेखा ज्यादा समय तक नहीं रही और मात्र 2 साल के कार्यकाल में यह सरकार गिर गई, जिसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी हासिल करने में कामयाब रही, जिसके बाद ही लालू प्रसाद यादव ने भी राजनीतिक मैदान में कदम रखा और जनता दल के अध्यक्ष के रूप में 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव में उतरकर क्षेत्रीय राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 1985 में लालू नेता विपक्ष बनने में कामयाब हुए। हालांकि राजनीति संभावनाओं और सत्ता परिवर्तन का खेल है। सरकार की हवा फिर बदली और वीपी सिंह के नेतृत्व में जेपी के वक्त के दलों को जुटाकर जनता दल का गठन किया गया। हालांकि इस दौरान 1989 में भागलपुर के दंगे हो गए और यह लालू यादव के लिए तुरूप का पत्ता साबित हुआ। इसी दौरान लालू यादव अपनी सेक्युलर छवि बनाने में कामयाब हो गए, जिसके बाद ही 1990 में जनता दल की सरकार के हाथ में सत्ता आते ही लालू यादव का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। मगर मुख्यमंत्री की कुर्सी का सफर यूं ही आसान नहीं था। जनता दल की कमान संभाल रहे वीपी सिंह की पसंद राम सुंदर दास थे, जबकि चंद्रशेखर रघुनाथ झा का नाम आगे ला रहे थे। दोनों के बीच शुरू हुए इस विवाद को देखकर उप प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे देवीलाल ने लालू यादव के नाम का प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद लालू यादव की किस्मत चमकी और उन्हें बिहार की सत्ता का मुखिया बना दिया गया और 10 मार्च 1990 को लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभालने लगे। मगर लालू
लालू यादव का राजनीतिक जीवन आसान नहीं था। लालू यादव की कुर्सी पर विराजमान होते ही अपने ही लालू के खिलाफ हो गए। आलम यह हुआ कि लालू के रवैये को देखते हुए जनता दल से भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। हालांकि वही एक दौर था जब भाजपा और राजद एक साथ एक ही गठबंधन में काम करते देखी गई थी। यह पूरा वाक्य 23 सितम्बर 1990 का है, जो बिहार के समस्तीपुर जिले में राम मंदिर निर्माण के समर्थन में लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था। हद तो तब हो गई थी जब उनकी इस यात्रा के कारण उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिससे भाजपा काफी ज्यादा नाराज हो गई थी और यही कारण है कि भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया था, जिसके बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई, मगर लालू प्रसाद यादव अपना वर्चस्व बचाने में कामयाब रहे। 1995 में हुई विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिली और एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे, मगर चारा घोटाले की हवा ने सब कुछ खराब कर दिया और जनता दल के अंदर ही लालू यादव के खिलाफ गुटबाजी शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे, जिनकी मदद लालू प्रसाद यादव ने काफी ज्यादा की थी, मगर वो भी लालू को सीबीआई से बचाने में असमर्थ रहे। हालांकि लालू यादव को जनता दल की कमान अपने पास ही रखनी थी। चारा घोटाला मामले की आज अब उनकी कुर्सी तक भले ही आ गई हो, मगर पार्टी की कमान उन्होंने अपने पास रखने की इच्छा जताई थी। इसको लेकर उन्होंने पार्टी के सामने यह भी प्रस्ताव रखा कि सीबीआई की जांच को ध्यान में रखते हुए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है, मगर पार्टी की कमान वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। हालांकि पार्टी ने उनकी एक नहीं सुनी, नतीजतन लालू यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाने का निर्णय लिया और 5 जुलाई 1997 को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। इतना ही नहीं, सीबीआई की जांच को देखते हुए साथ ही चारा घोटाला मामले में अपने आप को फंसता देख और गिरफ्तारी की तलवार को भापते हुए लालू यादव ने अपनी कुर्सी त्याग दी और परिवारवाद का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, जिसके तहत उन्होंने 25 जुलाई 1997 को अपनी इस कुर्सी पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठा दिया। लालू यादव के इस फैसले ने हालांकि हर किसी को चौंका दिया था। लालू को यूं ही राजनीति का धुरंधर नहीं माना जाता है। राजद सुप्रीमो ने अपने इस कदम से सीबीआई की जांच का मान भी रखा, अलग पार्टी की स्थापना भी की और सत्ता भी अपने पास रख ली, जिसके बाद लालू की लोकप्रियता बिहार झारखंड में और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 1997 में जिस पार्टी का सपना लालू यादव ने देखा वो सच हो गया, जिसका प्रमाण पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जिसके तहत राजद ने साल 2000 विधानसभा चुनाव में 324 में से 124 सीटों को अपने पाले में कर लिया। उस दौरान झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसके कारण ही लालू यादव का जनाधार सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी देखने को मिला। मार्च 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में राजद ने अकेले अपने दम पर बिहार की 17 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए, राजद ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी ने साल 1999 तक बिहार की सत्ता संभाली थी, जिसके बाद साल 2000 में नीतीश कुमार सीएम बने, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए और 7 दिन ही सीएम पद पर रह सके। लालू यादव ने जबरदस्त मैनेजमेंट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली और 2005 तक 5 साल फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। साल 2004 में लालू यादव ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, जिसके साथ ही वो रेल मंत्री बन गए। 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ, राजद के सामने समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी और अन्य के विलय से अक्टूबर 2003 में बनी जनता दल यूनाइटेड थी। राजद महज 54 सीटों पर सिमट गई, जबकि जदयू 88 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा को 55 सीटें मिली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब से अब तक नीतीश ही बिहार चला रहे हैं। यही वो साल है जब राजद का सत्ता का सपना तब से लेकर अब तक धरा का धरा ही नजर आ रहा है। इस बीच 2015 में राजद को हालांकि सत्ता भोग जरूर मिला, जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस दौरान राजद को 80 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया और इस बार नीतीश ने अपना समर्थन खींच लिया, जिसके कारण राजद सत्ता से बाहर हो गई और फिर भाजपा को साथ लेकर बिहार की कुर्सी संभाली। वहीं अब लालू यादव की गैर मौजूदगी में उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव राजद को संभाल रहे हैं। आलम यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता, जिन्होंने दिल्ली में बैठकर लालू के साथ राजद बनाई थी, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर पार्टी को खड़ा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जबकि उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पूरी तरह से पार्टी का कामकाज देख रहे हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।